नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। आयुर्वेद में केवल जड़ी बूटियों के गुण ही नहीं बल्कि खान पान और रहन सहन के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है। आज हम आपको आयुर्वेद के अनुसार बालों में तेल लगाने के फायदे और इसका सही समय बताएंगे। चंपी या सिर की मालिश की प्रथा पीढ़ियों से चलती आ रही है और हम में से बहुत सारे लोग बालों को धोने से पहले सिर की मालिश करते हैं। माना जाता है कि बालों में तेल लगाने से बालों को समय से पहले सफ़ेद होने से रोका जा सकता है। इससे बालों की जड़ मजबूत होती है और प्रेशर पॉइंट्स पर मालिश करने से तनाव कम होता है। आयुर्वेद के अनुसार सिर दर्द वात से जुड़ा होता है, इसलिए शाम 6 बजे बालों में तेल लगाना चाहिए। दिन का यह समय वात दूर करने के लिए बेहतर होता है। इसके अलावा बालों में शैम्पू करने से पहले भी हफ्ते में 1 या 2 बार तेल लगा सकते हैं। हालांकि बालों को धोने के बाद तेल लगाने से बचना चाहिए। बालों में नियमित तेल लगाने से स्कैल्प में रूसी और खुजली की समस्या दूर हो जाती है। यदि आप तेल में नीम की पत्तियां डालकर गर्म कर ले और नहाने से पहले इसे स्कैल्प में अच्छी तरह लगाएं, इसके बाद गुनगुने पानी से बालों को धो लें तो रूसी की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। रात में सोने से पहले अपने बालों और स्कैल्प में अच्छी तरह तेल लगाएं और अगली सुबह गुनगुने पानी से बालों को धो लें। रात में बालों में तेल लगाकर अच्छे से मालिश करने से भी नींद काफ़ी अच्छी आती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।